इस बात को बना करके रखने की जरूरत है, ये बातें हमेशा नहीं आती। और फिर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में किस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। बहुत सी योजनाओं का जिक्र मुझसे पहले मेरे मित्रों ने किया, मैं योजनाओं का जिक्र नहीं करता, योजनाएं इतनी हैं चारों तरफ। आज श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में लोगों की जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी योजनाएं चल रही हैं। 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधा पैसा 6,000 रुपये महीना साल का जमा हो रहा है। 10 करोड़ किसानों को आयुष्मान योजना, हिम केयर योजना, 5 लाख रुपए तक की बीमारी का सारा इलाज सरकार की तरफ से हो रहा है। पानी की योजनाएं, विकास की योजनाएं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? पढ़े लिखे नौजवानों की बेरोजगारी। सब लोगों को सरकार में नौकरी नहीं दी जा सकती, और घर में कोई बेरोजगार है तो परिवार में कितनी परेशानी होती है अपन सब कर सकते हैं। उसका इलाज इस सरकार ने सोचा है। अभी कुछ दिन पहले इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में की, पूरे भारत के उद्योगपतियों को धर्मशाला बुलाया, उनको पूछा आपको क्या तकलीफ है हिमाचल प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए, अब आपको बुला रहे। मैं भी वहां गया था और मुझे वहां बिठाने लगे जहां राज्यपाल बैठे थे। मैं जब जा रहा था तो पूरे भारत के 15-16 उद्योगपति बैठे, मुझे पहचान लिया।